ओम शांति। आज मुझे बताया गया कि इस समय की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए अपनी स्वस्थिति को किस तरह से हम लोग स्थिर रखें। बाबा ने कहा था बाप की प्रत्यक्षता हम बच्चों द्वारा होगा। ऐसी क्या बात है जो ईश्वर की प्रत्यक्षता हम बच्चों द्वारा होगा, क्योंकि बाबा ने कहा चेहरे और चलन से होगा। तो बाबा निराकार ज्योति स्वरूप है और हम सबको एक चेहरा बाबा ने ही दिया है, किसी मनुष्य ने नहीं दिया है। कोई मनुष्य होता वो अपने हिसाब से कर सकता है, परंतु कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जो चेहरा हम सभी के द्वारा प्रत्यक्ष होना है ये भी बाबा का गिफ्ट है। और कैसे भी चेहरा होगा, हर एक को बहुत खुश होते हैं जब आईने के सामने खड़े होते हैं, अपनी चेहरा देख के तो सब खुश होते हैं। तो ईश्वर को हम थैंक्स देते हैं कि वाह वाह मैंने वाह। तो आज भी बाबा हम बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि हम बच्चों की चेहरों द्वारा चलन द्वारा प्रत्यक्षता होगी। वैसे हम सब खुश है, बाबा ने हम सबको संतुष्ट किया है, फिर बाबा क्यों घड़ी घड़ी कहता है बच्चे आपकी चेहरे से चलन से ही प्रत्यक्षता होगी। तो चेहरा तो सदा है, जब से बाबा के बच्चे हैं चलन भी बहुत अच्छे हैं, सब ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, तो चेहरा भी अच्छा है चलन भी अच्छा है, प्रत्यक्षता क्यों नहीं। तो आज बाबा इसी बात की हम बच्चों को थोड़ी सी खान खींच रहा है। तो परिस्थिति के अनुसार ये चेहरा बदलता है, ये प्रॉब्लम है। जैसा व्यक्ति आया उस अनुसार चेहरा। तो ऐसे परिस्थिति के अनुसार जो चेहरा हो रहा है उसके कारण बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो रहा है। देखो भक्ति मार्ग में भी हम लोग रोज मंदिर में जाते थे, मूर्तियों के सामने जाते थे, तो वो चेहरा एक दिन भी थोड़ा सा बदल जाए तो हाथ यूं है तो यूं हो जाए तो दूसरे दिन भगत नहीं जाएंगे, आज क्या हो गया देवी को। कहा भी जाता है खंडित मूर्ति के पास नहीं जाते हैं कहते हैं। तो ये जो हमारी चेहरा जो परिस्थिति के कारण बदलता है खंडित होता है तो बाप की प्रत्यक्षता में देर हो रही है। तो बाबा केवल हम बच्चों से यही चाहते हैं कि खुश रहे। जैसे माँ बाप बच्चों का यही तो चाहते हैं और कुछ नहीं, खुश रहे खुश रहे। पूरी मुरली खुशी की मुरली होती है। तो इसीलिए बाबा की प्रत्यक्षता अभी तक थोड़ा सा देर है, वो इसीलिए है कि परिस्थिति के अनुगुण जो चेहरा बदलता है वो इस बार पक्का करके जाना है
परिस्थिति तो बदलना ही है. देखो ना, हर घड़ी हर सेकंड बदल रहा है. सुबह को दोपहर कह रहे हैं, फिर शाम हो जाता है, फिर रात हो जाता है. ये तो बदलना ही बदलना है. और जो चीज़ आज हुआ, अब एक सेकंड में हुआ, वो दोबारा नहीं हो रहा है, वो दूसरी चीज़ है. तो जब इतनी परिवर्तनशील है, हर चीज़ परिवर्तनशील है, तो फिर उसके अनुसार हम अपनी चेहरे की या खुशी का रखें, तो आप बताओ कि बाबा की प्रतीक्षता हम कैसे करेंगे. बाबा और कुछ नहीं चाहता है. सब कुछ हमने कहा, बाबा ये सब कुछ आपका है, तन मन धन सब कुछ. बाबा हम बहुत निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, सब कुछ आपका है. और बाबा ने कहा ठीक है, ले लिया, पर अब वापस आपको दे रहा हूं, पर ट्रस्टी होके संभालना. कुछ नहीं लिया बाबा ने हमसे, सब कुछ हमको वापस दिया, पर संभालना हम बच्चों को है, पर ट्रस्टी होके संभालना है. तो चेहरा भी खुशी का बाबा ने दिया है. जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हम सबकी चेहरा खुशी की चेहरा हो गया है. तो लोगों को आश्चर्य है कि ये सुबह सुबह भागते भागते आश्रम पे जाते हैं, भागते भागते आते हैं, पर चेहरे में खुशी. आखिर वहाँ क्या देते हैं? हम कहते हैं बाबा आप भी एक दिन आके देखो ना क्या देते हैं वहाँ. तो पर इतना तो पक्का हो गया है कि भाई ये सफ़ेद वस्त्रधारी है, ओम शांति वाले हैं, पर खुश रहते हैं. एक मेजॉरिटी बी केस का ये है सब जगह, भाई ये लोग खुश है. पर प्रत्यक्षता होने में देरी इसीलिए हो रहा है कि जो खुशी है, जो खुशी की चेहरा एक रस हो. तो हम बच्चों को बाबा तैयार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का परिस्थिति आए तो आपके चेहरे का मुस्कान जो है वो नहीं जाए. थैंक यू बाबा ही जानते हैं हम, और कुछ नहीं. क्यों क्या वो सब हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है. कुछ भी हो, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा. हमारे जानकी दादी कहते हैं ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा. ये तीन तो हम कहते ही है, करते ही आए हैं, पर अब सबसे ज़्यादा हमको ये कहना होगा शुक्रिया बाबा. जो दुनिया में हो रहा है वो हमको नहीं हुआ है. हमारी खुशी छीन नहीं सके, हमारी खुशी अभी भी हमारे चेहरे पे है. वो लोग तो बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं ले आए, कुछ नहीं साथ जाता, कुछ नहीं, ये सब रोज़ पढ़ते हैं, करते हैं, परंतु रियलिटी में आप इनसे पूछो क्या हाल है आज. परंतु हम बच्चे इस समय पर अपने आप को बिल्कुल जानते हैं कि हमारे साथ जाने वाला पैसा वो कोई नहीं छीन सकता. हमारा खुशी नहीं छीन पाया तो और क्या हमारे से छीनेंगे. तो बाबा जो कहते थे ना, किसी का राजा खाए, किसी का चोर ले जाए, किसी आग में लग जाए, ये सब चीज़ें जो है वो हम बच्चों के लिए नहीं है. तो हम बच्चे जानते हैं कि हमारी जो कमाई है, हमारी जो संपत्ति है, वो कोई लूट नहीं सकता है. वो खुशी हमारी सदा ही हमारे साथ है. इसलिए ऐसे समय पर हम बाबा को ज़्यादा शुक्रिया दे रहे हैं. अच्छा हुआ बाबा, हमारी खुशी तो हमारे पास ही है,
तो हम बच्चों को भी इस समय पर बाबा को यही एक वायदा देना है, हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वयं भगवान के बच्चे हैं, जो इस समय पर इस धरती पर आकर हम बच्चों को अपनाया है। कई बार हम पूछते हैं, तो आपने भगवान को ढूंढा या भगवान ने आपको ढूंढा? जो ये कहते हैं कि भगवान ने हमको ढूंढा, वो हाथ उठाए। देखो ना, सभी कह रहे हैं कि भगवान के लाल बैठे हैं, सब भगवान के प्यारे बैठे हैं यहाँ, जिनको भगवान ने चुन चुन के ले आए हैं। आसपास के भी नहीं आ रहे हैं, घर के परिवार भी कईयों का नहीं आ रहे हैं, पर हमको तो बाबा ने चुन लिया। तो ऐसी क्या बात है, हम कोई धनवान भी नहीं है या कोई साधु संत भी नहीं है हम लोग, तो ऐसी क्या विशेषता है हमारे अंदर जो बाबा ने देखा और हमको चुना? हमसे बाबा क्या चाहता है? हम सब चाहते हैं कुछ करे, कुछ करे, क्योंकि बाबा ने इतना दिया है हमको, उसका रिटर्न क्या करे, वो समय अभी है। अभी तक हम जो इच्छा रखते थे, बाबा ने सब कुछ दिया, परंतु अब बाबा केवल हमसे, वो भी हमारे लिए ही, बाबा को उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। खुशी हमको होती है तो ऐसा नहीं है कि भाई बाबा को खुश होते हैं, बाबा तो है ही खुश, पर बाबा चाहता है कि भाई मेरे बच्चे इतना खुश हो जाए, हर परिस्थिति में खुश हो जाए, तो दुनिया देखते हैरान हो जाए कि भाई ये इतना खुश कैसे हैं। ज्ञान बहुत सुनाया हम लोगों ने, कौन सा ज्ञान नहीं दिया, सबको पता है, हमको देखते ही, दूर से देखते ही, अभी शुरू करेंगे भाई ये, तो इसलिए वो थोड़ा सा रास्ता भी बदल देते हैं कई बार। पर इस बार जब आप यहां से जाएंगे, आप ये पक्का कर लेने का कि मैं, मुझे अभी मुख से नहीं, अब चेहरे से ही, मेरी खुशी की चेहरे, जब सारी दुनिया गम है, अभी किसी भी चेहरे में आपको खुशी नहीं नजर आएगी। मैं जब पहले अमेरिका गया था 1983 में, जब ट्रेन में बैठा था सुबह, तो देखो तो सब की चेहरा उतरा हुआ और एक दो को देखते भी नहीं थे। तो किसी को देखते हैं तो उनको बुरा लगता है, ऐसी चेहरा हमने देखा, एक खुशी के माहौल, जैसे भारत में ट्रेन में भी बैठे होंगे, खुशी खुशी से कुछ ना कुछ बात करते हैं, एक दो से पहचान करते, कुछ नहीं था। 1983 की बात में कह रहा हूं, इतना पहले इतने दुखी चेहरा देखा था। तो आज भी हमारे देश में भी कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है, किसी भी घर में आप जाओ, जो बुद्ध के कहानी है, जो माता ने मेरे बच्चे को बचाओ ले आया, तो जब गई हर घर से ले आने के लिए, बोला ऐसा कोई घर नहीं है जहां मौत नहीं हुआ हो। तो आज भी ऐसी परिस्थिति चल रही है दुनिया में, केवल आपको देख के वो खुश हो जाए तो हो, बाकी इनके पास खुश होने की कोई चीज रही नहीं है। तो इसीलिए बाबा जल्दी जल्दी कराना चाहता है। अभी जो हम वाचा से मेला, एग्जीबिशन, भाषण, ये सब बहुत कर लिए हैं, बाबा अभी किसी मुरली में ये हमको नहीं बोल रहा है। अभी बाबा केवल हम बच्चों से यही चाहते हैं, बच्चे आप खुश रहो। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत मशहूर हो गए हैं, सब दुनिया जानती है। अभी बाबा ने भी एक मुरली में कहा, देखो इनका बाप का नहीं हुआ है, पर इनकी प्रचार बहुत हो गया है। पर अब बाबा चाहते हैं
कि इनका बाप कौन है, ये इतना कुश है तो इनके पास है क्या, और वो खुशी कहाँ से मिलता है जो ये हमको भी मिल सके। तो मुझे याद है, मैं जब पहली बार बेंगलोर में, वहाँ हृदय पुष्पा दादी जी थे, उनसे कोर्स लेने गया था, तो जब मैंने उनको देखा मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कोई योगी आत्मा है। तो मैंने उनसे ज़रूर पूछा कि भाई आप किस भगवान को याद करते हैं, तो वो हंस पड़े कि आप अपने को इतना पढ़ा लिखा, ये जानता हूँ वो जानता हूँ ये सब, और ये भी नहीं जानते कि भाई भगवान एक ही होता है। तो वो दिन और आज के दिन, हाँ भाई भगवान तो एक ही है, परंतु उनके पास जो खुशी है वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा कि भाई मैं कोर्स लेना चाहता हूँ। तो उसने सोचा ये तो 20-21 साल का बच्चा आया है, तो इनको सचमुच इंटरेस्ट होगा तो आएगा। बोला सुबह 5:30 बजे आ जाना। तो आप बताइए कि 5:30 बजे को उठ के कोई आएगा, इनको विश्वास नहीं था। तो मैं 5 मिनट पहले आके नॉक किया कि भाई मैं आ गया हूँ। तो किसी लिए गया था, योग के लिए गया था, योग मुझे अच्छा लगा था। मैं पहली बार बाबा से मिला, हिंदी नहीं जानता था, बाबा ने भी यस सन ये शब्द मुझे कहा था बाबा ने। तो हम बच्चों को अनुभूति हुआ है बाबा को देख के, सुन के नहीं, ज्ञान तो बाद में समझ में आया, देखते ही कुछ हुए। मैं सदा ब्रह्मा बाबा के लिए कहता हूं, जो अज्ञान में लोग कहते हैं लव इन साइट वन साइट, फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया, भाई पहली बार देखा तो प्यार हो गया ऐसा। तो मैं भी ब्रह्मा बाबा को देखते ही मैंने कहा कि भाई भले दुनिया का कोई भी गुरु हो, कोई भी संत हो, नहीं मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मैंने कभी ये नहीं सोचा ये ब्रह्मा बाबा है या इसमें शिव बाबा आता है, ये चक्कर में गया ही नहीं मैं। मुझे बाबा में बाबा सदा ही दिखता था, और आज भी मुझे अव्यक्त स्वरूप में भी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों देखता हूँ। मेरा आप सबको कहना यही चाहता हूँ कि हम सभी आज यहाँ है तो योग के कारण है। ज्ञान तो समझ लिया, सुन लिया, अच्छा लगता है, परंतु खुशी जो है, आनंद जो है, शांति जो है, वो हम सब ने योग से प्राप्त किया है। ब्रह्मा कुमार कुमारी ये हम टाइटल पक्का कर दिया है, परंतु उससे पहले एक टाइटल बाबा ने जो दिया था वो भूल गए हैं, उसको अभी यूज ही नहीं करते हैं। हम सब बीके ओके। पर आज से मैं आप सबसे चाहता हूं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा बाबा के लिए हम बच्चे हैं ठीक है, परंतु हम सभी राजयोगी हैं। आज से दूसरी सब नाम भले आप लिखो न लिखो कोई बात नहीं, इतना तो पक्का करके जाए कि इस दुनिया में कोई योगी है तो यही है, यही है, यही है। सिर्फ हाथ पांव और ये वगैरह करने वाले वो योगी बहुत मिलेंगे आपको, परंतु राजयोगी जो है, जिनकी चेहरा खुशी में है सदा। पहले बहुत कुछ ज्ञान सुनाते थे, अब ज्ञान सुनाने वाले बहुत हो गए दुनिया में, बहुत लोग ज्ञान सुनाते हैं अभी,
तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे अभी भले बहुत हो गया, अब थोड़ा सा चुप रहो। तो बाबा ने बड़ी युक्ति से बोला, ये नहीं कहा कि भाई मुंह बंद कर दो या मौन रखो, वो नहीं कहा। बहुत युक्ति से, इतना रॉयल शब्द मैं कभी नहीं सुना था ये बाबा के मुख से। क्या कहा बाबा ने? कहा मन से डांस करो। अरे बाबा ने कहा मन से डांस करो। मैंने कहा ये आज तक नहीं सुना था, मन को शांत करो, मन को शांति में रहो, ये तो सुना था, पर मन से डांस करो ये इस बार बाबा ने बहुत युक्ति से हम बता गया। खुशी मन की डांस से होता है, ये खुशी ऐसे ही नहीं है, बाबा 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 मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। जैसे जैसे हम जितने जितने अच्छी गीत सुनते हैं, अरे मुश्किलों से कह दो तेरे से बड़ा मेरा खुदा है, ऐसा गाते ही देखो कितनी खुशी आती है, चेहरा ही बदल जाता है। तो मन के अंदर ऐसी ऐसी अच्छे अच्छे बातें, कई बार बाबा कहते थे कभी मूड थोड़ा सा नीचे ऊपर होवे ना, एक अच्छी गीत सुन लेना, कोई भी गीत आपको प्यारा लगे वो थोड़ा सा बजाना, देखो नाचने शुरू कर देंगे। तो पहले मन नाचे तो फिर तन भी नाचेगा। तो खुशी जो है वो मन की डांस से है। तो ये नहीं कहा मुख से कुछ नहीं बोलो, बाबा ने कहा मन की डांस करो, माना पक्का कर दिया कि भाई यहां तो पट्टी बांधना है। अभी हम लोगों ने बहुत सुना दिया दुनिया को, अब दुनिया हमसे भी सुनना नहीं चाहते हैं, इतना पेशेंस नहीं है लोगों को अभी। आप कहो 3 दिन का कोर्स करो, 7 दिन का कोर्स करो, नहीं, वो आते ही आपकी चेहरा देखते ही उनको वो, जैसे हम लोगों को हुआ था, मैं कहां साउथ बेंगलोर से कभी इस तरफ नहीं आया था, इतना दूर से 4 दिन ट्रेवल करके आके बाबा को बस देखते ही फाइनल, सुना बाद में दूसरे दिन, मम्मा से मिलते ही मेरी माँ चेहरे से, सिर्फ बाबा दृष्टि देते थे। तो इसीलिए सारी दुनिया इंतजार कर रहे हैं कि इतने सालों से आप सभी कहते आए हो कि भगवान आ चुका है, भगवान आ चुका है इस धरती पे, वो कहाँ है? ठीक है आपसे मिलने बाबा अभी भी आ रहे हैं, पर तो इसलिए दुनिया को अभी ये नहीं कह सकते हैं कि भाई भगवान से मिलना हो तो अबू ही चलो, नहीं। तो हम बच्चों को देख करके भी उनको हाँ भाई कुछ है, तो जैसे हम लोगों ने दादियों को देख करके निश्चय हुआ, अनुभूति हुई, ज्ञान में आए, आज तक भी आप सबके सामने है, तो अभी आप सबको, हम सबको, बाबा के बच्चों को देख करके हाँ भाई शिव बाबा इस धरती पे आ चुका है, नहीं तो इनके अंदर इतनी खुशी और कोई नहीं दे सकता है। क्या परिस्थिति चल रहा है देखो, बाबा ने तो ऐसा शब्द कहा था जो मैं सोच भी नहीं सकता था उस समय पर, मरुआ मिरुआ मौत मलू का शिकार, शिकार खुश होता है और वो मर रहा है शिकार, शिकारी खुश है। तो जब दुनिया का वो हालत होगी तभी भी मेरे बच्चे खुश रहेंगे क्योंकि हमको भगवान मिला है। दूसरे सबको इस दुनिया में जीने की है, हम सब इंतजार कर रहे हैं बाबा कब बुलाए, हम तो रेडी बैठे हैं बाबा, सब यही पूछते हैं कितना दिन कलयुग चलेगा, श्री कृष्ण कब आएगा, हमारा स्वर्ग कब आएगा। तो उसका भी उत्तर हम यही कहते हैं, आप मरे मर गई दुनिया। मैं सबसे यही पूछता हूं, आप ये बता दो आप कब शरीर छोड़ने वाले हैं, तो सत्युग कब आएगा हम बता देंगे। तो आज तक किसी ने बताया नहीं मैं कब शरीर छोड़ने वाला हूं,
इतना ही डिफरेंस है. जिस दिन हम ये दृढ़ करें बाबा हम तो रेडी है, जब भी आप कहो हम रेडी है, तो बाबा भी कहेंगे बच्चे बस स्वर्ग भी आया कि आया. तो मैं कई बार सुनता हूँ, जब शरीर छोड़ते हैं और उनको लेके भी जाते हैं ना, तो इनका चेहरा उस समय पर भी चमकता हुआ हमने देखा है. कई बार बताते हैं देखो इसका चेहरा देखो कितना खुशी का चेहरा है. मुर्दा नहीं कह सकते, देख के मुर्दा कह ही नहीं चाहते. तो इतनी खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए क्योंकि स्वयं भगवान हमको मिला है और कोई नहीं मिला है. तो आज की हम लोगों की ये बाबा को प्रतिज्ञा करना है, बाबा हम अभी यहाँ से केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, हम राजयोगी होके जाएंगे. दूसरा, अपनी चेहरा जो है वो कभी अभी परिस्थिति के कारण नहीं, मेरी स्वस्थिति परिस्थिति के कारण नहीं, मैं जो हूँ मेरा बाबा. कुछ भी है कुछ भी हो ये पक्का कर लेना, कम से कम बाबा के बच्चों को तो फर्क नहीं पड़ने वाला है. हम अपनी स्थिति को किसी भी कारण से बदलने वाले नहीं हैं, हम तो खुश हैं. बाबा कहते थे बच्चे ऐसा भी टाइम आ सकता है चना खा के जीना पड़ेगा. तो मैंने ये किसी बहन को कहा अरे चना कौन सा सस्ता है आजकल, वो भी तो 200 रुपये केजी हो गया है. पर हम बच्चे तैयार तो उसके लिए भी हैं. हम कभी ये नहीं कहेंगे बाबा को बाबा हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, नहीं. वो भी बाबा को हम आज पक्का वायदा कर रहे हैं बाबा कुछ है नहीं है या कुछ भी हो हमारी खुशी नहीं जाएगी, हम खुश हैं क्योंकि हम खुशी की दुनिया में जाने वाले हैं. सदाई एक प्रश्न मैं पूछता हूँ अपने से कि लक्ष्मी नारायण बनना कितना अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्मी नारायण जो देख रहे हैं वो तो ड्रेस है. तो क्या हम यहां से जब वहां गए और वो ड्रेस पहने देवता हो गए? तो देवता दैवी गुणों से होगा. देवता उसको कहते हैं दैवी गुण है उनमें. वो गुण कहां, वहां जाते ही वो ड्रेस पहनते ही गुण आ जाएगा या गुण यहां ही हमको करना पड़ेगा? गुणवान कहाँ बनना है, यहाँ बनना है या वो ड्रेस पहन के बनना है? तो इसीलिए देवता सचमुच मेरे सामने बैठे हैं, सब भगवान के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं देवता. बाबा ने तो ड्रेस रेडी करके रख दिया है सबका, दो जोड़ी रखा है बाबा ने ड्रेस, एक फरिश्ता जो प्रकाशवान. तो आपको कोई इस ड्रेस से नहीं ले जाएगा, ये शरीर छोड़ते ही इतना सुंदर इतना अच्छा, ना खांसी ना जुकाम ना सिर दर्द ना कुछ कुछ नहीं है उसमें, उस ड्रेस में. इससे छूटते ही इतना प्रकाशमय ड्रेस रहेगा, वो इतना अच्छा ड्रेस है. वो बाबा कहते हैं वो भी कभी कभी पहन को तो देखो, नींद में तो पहनो चलो स्वप्न में भी पहन लो, बाबा तो रेडी रखा है. तो इसीलिए हम सब बच्चों को दो ड्रेस बाबा ने रखा है, कम से कम वो दो ड्रेस तो पहनो. तो जैसे ये ड्रेस भी हम लोग रात का अलग करते हैं दिन में अलग करते हैं, तो ऐसे ये जो दो ड्रेस है इसको भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है कि मैं फरिश्ता हूँ एंजल हूँ साथ साथ बस बना कि बना. मुझे वो सीन याद आता है साकार बाबा का, मुरली चलाते चलाते श्री कृष्ण का जो चित्र देखते ही बाबा ऐसे ऐसे करते थे, बस मैं अभी जाके श्री कृष्ण बनूंगा मैं अभी जाके श्री कृष्ण बन. बाबा को बहुत खुशी होती थी कि भाई मैं जाके ऐसा बनूंगा.
तो इसलिए हम बच्चों को भी इस समय पर ये दो ड्रेस भी याद रखना है, और हम अभी ऐसे बनने वाले हैं, और लिखना भी है कि राजयोगी हूं मैं, राजयोगी हूं मैं, प्रजा योगी नहीं। यहां कोई प्रजा नहीं बैठे हैं, प्रजा तो करोड़ों है लोगों में। आपने बहुत सेवा किया है प्रजा का, हर शहर में आपने सेवा किया है, प्रजा बहुत आएंगे, परंतु मैं राजयोगी हूं, ये पक्का हम बच्चों को हमारे मन में रहना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो छोटा बच्चा भी है, आप एक दिन बता देंगे तो वो भी बोल देंगे तुम कौन हो, बोल देंगे मैं आत्मा हूं। आत्मा तो है ही, कैसी आत्मा, मैं राजयोगी आत्मा हूं। बीके ठीक है, बीके ओके है, पर राजयोगी हूं, फरिश्ता हूं, या फरिश्ता बनने वाले हो तो फिर बनने में टाइम लग जाएगा, फिर अचानक कुछ हो जाएगा तो क्या करें। तो इसलिए ये भी आज से पक्का कर दो, फरिश्ता भी मैं ही बनता हूं, जो फरिश्ता बनेगा वही देवता बनेगा। तो कम से कम ये भी पक्का कर लो कि भाई नहीं, मैं फरिश्ता, इस धरती पे मेरा पांव नहीं है, यहां कोई मुझे खींचने वाला नहीं है, यहां से तो मेरा पूरा हो गया, पार्ट बजाया ऊपर आया। तो इसीलिए ये छोटी छोटी प्रैक्टिस जो है हम बच्चों को इस समय पर, बाबा को इस बार वायदा करके जाना है, बाबा मैं यहाँ से जाऊँगा तो आपकी प्रतीक्षता करूँगा। तो आपको फिर देखो, बाबा कहते हैं ब्राह्मण जो मिले ना, और दुनिया में दो मिलते हैं, क्या अंतर है? जब आपस में कोई दो मिलते हैं ना दुनिया में, वो बात किसका करता है पता है? कोई तीसरे का, आपस का दोनों का कोई बात नहीं, दोनों खुश होते हैं तीसरे की कोई बात कह के। पर हम ब्राह्मण जब एक दो से मिलते हैं तो अपनी पुरुषार्थ यही होता है कि भाई एक दो से हम लोग सीखे, या अपना अनुभव एक दो को सुनावे। तो बाबा कहते हैं ना सत्संग, सत्संग क्या है? तो सत्संग यही है जो हम एक दो से सीखते हैं, तो एक दो को अपना अनुभव सुनाते हैं। तो इसीलिए जो भी हम लोग ज्ञान सुनावे, बाबा से पूछा था हम लोगों ने, बाबा कौन सा किताब लेवे, उन दिनों में भी कुछ किताब बने हुए थे, तो हम पूछते थे कौन सा किताब लेके सुनावे, बाबा कहते थे नहीं, किताब जो है वो आपका जीवन है। आज तक दुनिया में किताबें ही सुनाते रहे जिनको पंडित कहते हैं, आपको पंडित नहीं बनना है, आप अपना अनुभव एक दो को सुनाना है, जितना आपको अनुभव हुआ है उतना ही सुनाना है। मुझे याद है तो कुछ प्रश्न ऐसे लोग पूछते थे, तो हम बाबा को कहते थे बाबा ये प्रश्न पूछते हैं तो क्या उत्तर दो, तो बाबा ने कहा कि बच्चे इनको कह देना अभी तक हमको बाबा ने बताया नहीं है, जैसे ही बताएंगे हम आपको सुना देंगे। देखो कैसे बाबा युक्ति से बच्चों को बचाता है। तो इसीलिए अभी भी हम बच्चों को एक दो से इतना प्यार होना चाहिए कि अपना अनुभव के अलावा और दूसरी कोई चीज नहीं। बीके ब्राह्मण बच्चे, राजयोगी बच्चे जब एक दो से मिलते हैं अपना अनुभव ही सुनाना होता है। तो आप इस समय पर क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कई बच्चे हैं अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, भले व्हाट्सएप ही है या दूसरा कुछ भी है, कितना विचार मंथन करते हैं, कितने अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम एक दो को अपना अनुभव ही सुनावे जब भी हम मिले।
तो आज मैं आपको भी एक छोटी सी अपनी इस समय का अनुभव सुनाता हूँ, क्या चलता है, हम क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो समझो इस समय पर बाबा ने कहा मन की डांस करो, बहुत अच्छा। तो जब से बाबा ने ये कहा मन की डांस करो, तो मैं थोड़ा सा मेरी मना, दूसरा किसी का नहीं, मेरी मन के पास गया। हे मेरी मन, तो तू कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो डांस कर रहे हो या क्या कर रहे हो। तो मैंने देखा तो वो मन तो मुझे ही डांस कराता रहता है, वो नहीं कर रहा है। सारा दिन मन मुझे डांस कराता है, जैसा वो कहे वो मुझे करना पड़ रहा है। वो मुझे बताता है ये करो ऐसा करो वैसा करो। वाह, मैंने देखा उसके उसको आता कहाँ है ये सब चीज़ें, जो मुझे ललचाता है। तो जैसे कभी कभी हमारे, मुझे याद आता है हमारे जगदीश भाई कहते थे, अरे आदमी आदमी तो 6 फुट का है, पर पता है कौन चलाता है, ये 6 इंच का जीभ। 6 फीट का आदमी 6 इंच का जीभ चलाता है, ये खाना है ये खाना है ये खाना है ये खाना है। अच्छा लगा जब मैं सुना, पर अब देखा कि इसके पीछे भी कोई और है जो इस जीभ को भी कहता है और इस शरीर को भी ले जाता है, और कोई नहीं था, मेरा ही था वो मन। आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये करना है। मैं ज्ञान की दृष्टि से सोचूं, करूं, बोलूं किसी के कोई बात, वो फट से बोल देते, तो ऐसा बोल, तो ऐसा बोल, तो ऐसा बोल। अरे इतना फास्ट है, तो लोग समझते हैं मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, मैं बहुत फास्ट हूं, सचमुच मैं नहीं, मेरे से पहले ये बोल रहा है भाई, ये मुझे इतना फास्ट बोलता है। तो बाबा की ये बात मुझे सदा ही अच्छा लगता था, पर प्रश्न जरूर होता था कि एक चुप सौ सुख। मैंने कहा ये क्या बाबा कहते थे, एक चुप और सौ सुख, ये होता क्या ये। क्योंकि जब मन में कुछ आता है बात, तो मैं इतना फास्ट, जो आया जो किया जो बोला तुरंत, और कई बार नुकसान हो जाता है। मैं न बोलते तो अच्छा था, देखो मेरा बोलने से नुकसान हो गया, नाराज हो गया, वो होने वाला भी काम बिगड़ गया। तो मैं चुप रहता तो अच्छा होता। तो उसको थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने शुरू कर दिए, तुरंत ये जो मन पीछे पड़ा है भूल दो, तुरंत आ जाता है आपको प्रेरणा। जैसे मैं नहीं, मेरे ऊपर ये सवार होके ये मन मेरे से सब कराता रहा। तो इस बात को भी थोड़ा सा अभी चुप रहना सीख गया मैं, थोड़ा थोड़ा है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा दोस्त एक है, सिर पे बैठा हुआ है, तो उसको कहता हूँ थोड़ा ठहर यार, ठीक है तूने अपना राय दे दिया, सलाह दे दी, ठीक है थोड़ा सा ठहरो, क्योंकि मेरे पास एक बुद्धि भी तो है, मेरी मन ही तो नहीं है, मेरी बुद्धि भी तो है, पर मन इतना हावी जो मेरी बुद्धि को भी टाइम नहीं दे रहा है, चांस नहीं दे रहा है। बुद्धि बाद में समझाता है कि तू ना बोलता तो अच्छा था यार, तू बोल के देखो बिगाड़ दिए सारा काम। तो मैं भी कहता हूँ बुद्धि तुम पहले क्यों नहीं आते हो, ये मन पहले, मन इतना फास्ट, बुद्धि को सोचता है पर मन देखो कितना फास्ट है मन। तो इसीलिए इस मन को डांस करने के लिए बाबा ने कहा, तो बुद्धि के लिए नहीं कहा बुद्धि से डांस करो, नहीं, तो मन को डांस, क्योंकि बाबा को मालूम है तो पूरे कल्प पूरा 5000 साल ये मन ही मुझे चलाता रहा है। तो भले मन को भी चलाने वाला एक और चीज है, वो बाद में मालूम पड़ा, बाबा ने तो बताया है पहले ही,
हम सोचते इतने नहीं थे कि भाई मन को भी चलाने वाला कोई होगा, तो हम समझते थे मेरा तो मन मेरा बुद्धि है और क्या है। पर मन के पीछे भी एक गटरी है जिसको संस्कार कहते हैं हम लोग। जो चीज जानता ही नहीं हो वो चीज मन में इतनी जल्दी नहीं आता है। मन की आप देखेंगे जो किया है, जो स्वाद चखा है वो ही याद आता है। तो जब दादी कहती थी आज सबको जलेबी मिलेगी तो क्या तालियां बजती थी, क्योंकि मन को भी खुश हो गई, जिब में भी आ गया सब कुछ उसमें। तो जिस चीज की आनंद हम लोगों ने अभी तक लिया है मन को वही पता है, दूसरा नहीं पता है। जब राजयोग ये वो कोर्स ये सब लिया ना, मन को समझ में नहीं आता था भाई ये क्या चीज है। बुद्धि फिर भी होशियार है, तो बुद्धि से जो समझ करके धीरे धीरे मन को हम लोगों ने समझा के अपना काबू तो बहुत कुछ किया है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि भाई मन ही हमारे ऊपर राज कर रहा है, नहीं, बहुत कोशिश किया, आज तक भी कोशिश कर रहा है कि अमृत वेला नहीं उठे। वो मन ही कहते हैं अरे थक गया हुआ है थोड़ा और सो जाओ ना, इतना प्यार से समझाता है हमको, पर कहते हैं नहीं 3:30 बज गया उठना है, हुशार हो गया है। तो मन को बहुत कुछ तो काबू किए हैं, परंतु मन को नचा सके, मन की डांस करे, उतना हम अभी तक मन को थोड़ा सा। इसीलिए हमारी जयंती बहन कभी कभी कहती है भाई और कोई दोस्त आप हो या ना हो आपको, पर अपनी मन को तो दोस्त बना दो भाई, नहीं तो वो सारा काम बिगाड़ देगा। जैसे बच्चे को माँ प्यार से संभालती है, हर प्रकार से उसको साथ करती है, तो ऐसे इस समय पर सबसे क्लोज फ्रेंड हमारा हो, ऐसे खराब नहीं है वो, बहुत अच्छा है। मेरा ही मन है भाई, जो जो अच्छा काम करता हूँ तो वो मेरा साथ ही है, मैं खुश होता हूँ तो वो भी खुश होता है, परंतु जब मैं चुप होता हूँ तो वो अपना शुरू कर देता है, ऐसा चलाता है। बस एक सेकंड लगता है उसको, बुद्धि को टाइम लगता है, पर मन को ये इतना होशियार है, अमेरिका भी होके आ जाएगा, यहाँ वहाँ मना जितनी नॉलेज आपको ऑलरेडी है वो तो वो सारा घूम के आ जाएगा एक सेकंड में, बोर भी हो जाएगा दो सेकंड में, कुछ और नया चाहिए। तो ये मन जितना चंचल, जैसे माँ को बच्चे को संभालते तो थोड़ा अनुभव है इनको कैसे होता है, तो ऐसा ये मेरी मन भी जो है, तो ये भी एक खिलौना है, इसको भी थोड़ा सा हमको प्यार से ही सब कुछ समझाना पड़ता है। तो बाबा ने इसीलिए बहुत युक्ति से कहा कि सबसे प्यारा चीज सबके पास है तो वो अपना मन है। बुद्धि तो होशियारी है, मुझे मालूम है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ, वो होशियारी है, पर खुशी है आनंद है वो मन के साथ होता है। तो इसीलिए मन को जितना आप थोड़ा सा उसकी आनंद में जाते जाएंगे, आप देखेंगे मन की पूरी बात आपको असलियत मालूम पड़ता जाएगा, वो क्या चाहता है। पर वो जो चाहता है वो हमको अभी नहीं देना है, अब उसको जो बाबा चाहता है वो करना है। इतना आसान नहीं है कि भाई मन हमको जैसे बाबा कहता है ऐसा वो साथ दे, नहीं। तो इसीलिए इस समय पर जो हम सबका जो पुरुषार्थ, इसको भले बड़े बड़े शब्दों में कहते हैं सूक्ष्म पुरुषार्थ है, ज्वालामुखी योग है, ये सब क्या है, कहीं आग लगी है क्या,
पर ये जो मन है इनका अलग अलग रूप है, अलग अलग प्रकार के हर समय हर स्थिति पर अपनी रूप दिखाता है। वो रूप बदलने में इतना फास्ट है, इतना होशियार है, आपको ही आश्चर्य लगेगा मेरा मन इस तो ऐसा है। तो ये थोड़ा सा थोड़ा कुछ भी नहीं, कोई कठिन नहीं है। इसीलिए बाबा ने पहले ही कहा था कि राजयोग तो है पर सहज राजयोग करके। तो हम बाबा को हंसते थे, बाबा आपने तो सहज राजयोग करके कह के हमको फंसाया, ये इतना सहज तो नहीं है। पर जब आप करते जाएंगे, अपना ही तो मन है, हम किसी और से तो लड़ नहीं रहे हैं, शांति में बैठे हैं, तो अपना ही मन है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा सहज है, कहीं दूसरों के साथ लड़ना नहीं है। तो ये योग है, अपना ही मन का योग है। इसको जब आप थोड़ा 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 अपना बनाते जाएंगे, इतना टाइम इसीलिए लगा, बाकी और कोई कारण नहीं है। मैं आपको सच्ची बता दूं, हम लोगों का ध्यान थोड़ा लेट गया। हम योग में बैठते हैं, कमेंट्री कर लेते हैं, ये पर क्यों, किसके लिए, ऐसी क्या बात है? तो कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा अनुभव होता है, कभी ये सब चक्कर क्या है? जब पक्का मालूम है मैं और बाबा स्वयं भगवान, फिर ये क्या होता है? ये मेरा ही मन की अवस्था जो है, उसकी जो पुराने जो आदतें हैं, एडिक्शन कहते हैं। आजकल हमारे मेडिकल विंग वाले बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, भाई दुनिया की बुरे आदतें हम छुड़ाएंगे, ऐसा। वो तो अच्छी बात है, पर ये आदतें हैं कहाँ, इसका जड़ क्या है? दवाई दे के किसी का ये छुड़ा दिया वो बात दूसरी है, परंतु जो आदतें हैं वो मन से जब तक गए नहीं। तो एक छोटी सी लौकिक का भी अनुभव देखो कि भाई जब डॉक्टर ने कहा आपको शुगर है, तो अब कोई चीज़ कड़वा नहीं लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। क्यों? डॉक्टर ने कहा है आपको कड़वा ही खाना है, करेला ही खाना है, तो अच्छा लग रहा है। मन को पक्का हो गया है कि नहीं तो तेरा काम नहीं है, तेरा तो सब बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए जिस बात का नॉलेज हो जाता है तो उसको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कराना होता है। तो मन की डांस के लिए अभी कुछ ना कुछ युक्ति ढूंढिए। देखिए हर एक का पसंद अपनी है, हर एक को जो अच्छा लगता है वो अपनी है। अपनी मन को जो अच्छा लगे, इस जैसे मधुबन आना सबको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको, तो मधुबन आ गए आप, तो अब मन भी बेचारा फंस गया, अभी मधुबन में आया हूँ तो मुझे मधुबन में ही आनंद लेना है, यहाँ जो भी आनंद है वही आनंद में रहना है, पक्का हो गया उसको, जैसे वो बंद गया बेचारा। तो बाकी उसको और क्या अच्छा लगता है? तो जो चीज़ अच्छे लगे, जैसे मुरली दादी चार बार पढ़ती थी, प्रकाशमणि दादी के लिए हम कहते हैं दादी चार बार मुरली पढ़ती थी। वो केवल इसीलिए पढ़ती थी, ऐसा नहीं कि भाई दादी के पास कोई ज्ञान नहीं था, तो हर रोज चार बार मुरली पढ़ने से ही दादी को ज्ञान होता था, नहीं। तो मन को उस ज्ञान का आनंद आए जो क्लास में आके दादी सुना सके दूसरों को, देखो आज बाबा ने कितना अच्छी बात बताई है, कितनी अच्छी बात है, हम लोगों को इतना प्यार से दादियां सुनाते हैं, इतने प्यार से सब टीचर्स सुनाते हैं, देखो आज बाबा ने कितना अच्छा, तो ये किसको सुना रहे हैं? ऐसे कि भाई ये पॉइंट पहले नहीं सुना, कभी सुना भी होगा, पर वो ये सब इसीलिए सुनाते हैं। ये मुरली जो है, इसको बाबा ने ज्ञान न बोल के मुरली इसीलिए कहा ताकि मन नाचे, कोई न कोई मन को आज अच्छी बात मिले जो आज सारा दिन ये नाचते रहे। तो मन को नचाने का एकमात्र साधन है जो बेस्ट है, वो है बाबा की मुरली। पर थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, माँ बाप को कितनी तकलीफ होता है, अरे एग्जाम है पढ़ते नहीं है,
खेलने के लिए ही जाता है। तो मन भी ऐसा ही है, कुछ भी यहाँ वहाँ बहुत अच्छा लगता है मन को। परंतु इस समय पर बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि जितना मन को ज्ञान की बातें, कुछ नियमों से चलना, मन को नियम नियम आता ही नहीं है, तो बाबा उठने के लिए बोलेगा, मन कहते हैं सो जाओ ना, और थोड़ा सा सो जाओ ना, तो बाबा कहते हैं ये नहीं खाना है, तो मन कहते हैं थोड़ा टेस्ट तो करके देखो, चलो ठीक है, एक ही दिन में थोड़ी छोड़ना होता है। कभी कभी सोचते हैं हम, भाई चाय क्या है, ये भी कोई चीज़ है, छोड़ देना चाहिए, अरे एक दिन आज पी लो ना, अरे इतने दिन हो गए छोड़ा और आज फिर पी रहे हो, क्या बात है भाई। ये सब मन का खेल है, ऐसे मन बहुत खेल खेलता है हम लोगों के साथ, हमको पता ही नहीं पड़ता है। उसको डिसिप्लिन सिखाना, उसको एक रुचि पे ले आना, उसको अच्छी तरह से, जैसे ये भरतनाट्यम वाले करते हैं देख लो, तो ये सेम है जो मन को एक सिस्टमेटिकली बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य करे, ऐसा इसको शिक्षित करने में बनाने में टाइम लगता है। पर जिस दिन समझो आप उसको देखना शुरू करेंगे ना, तो उस दिन से थोड़ा सा वो ठीक हो जाता है। तो कोई आज मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके ध्यान आ जाता है, क्योंकि मेरा मन है ना, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि भाई नहीं अभी मेरे ऊपर ध्यान है, तो फिर वो आपको ज़्यादा चीट नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, तो जो सोता है तो उसी के घर में चोरी होती है, जो जागता है नहीं। तो ऐसे मन को भी, जब मन को देख रहे हैं आप, मेरा ही मन को देख रहे हैं, तो मन बड़ा होशियारी से रहता है, ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ। हम सदा ही दूसरे की मन का सोचते हैं, वो क्या सोच रहा होगा, वो ऐसा क्यों सोच रहा है ऐसा, तो पर हम कभी ये नहीं सोचा था कि भाई मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ, मेरा भी कुछ चल रहा है यहाँ, ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बाबा ने कई बार हमको कहा, चुप रहना, मौन रहना। मौन रहना मना क्या है, ना बोलना, ये कोई मौन नहीं है, मना मेरी मन के तरफ मैं देख रहा हूँ, इसको मौन कहते हैं, मेरा ही मन के तरफ मन देख रहा है, ये है मौन। हमने कभी ये सर्कस नहीं किया था। अच्छा है, अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, योग अच्छा है, इसी में आनंद में थे। पर अब बाबा लास्ट, क्योंकि मन एकदम काबू, मन जीत जगत जीत कहा, बुद्धि जीत जगत जीत नहीं कहा बाबा ने, कभी नहीं कहा। ऐसी क्या बात है बाबा, मन इतना बड़ा है क्या, जो मन को जीतो जो जगत जीत, सचमुच है। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे ना, तो आपको लगेगा कि जो बाबा कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो ज़रूर कुछ तो होगा। तो मैं ज़्यादा भारी नहीं करना चाहता हूँ आपको, आपका मन बहुत अच्छा है, आपका मन बहुत दोस्त है, देखो यहाँ तक ले आया है, मन मान तो लिया, मन यहाँ आने तक है, लेके भी आया, तो इसलिए हमारा तो दोस्त है ही है, वो बहुत अच्छा है। पर थोड़ा सा और, मुझे दो बात सदा ही ब्रह्मा बाबा का याद रहता है। तो जब ब्रह्मा बाबा नहाने धोने जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा का ये घोड़ा है, इसको मैं अच्छी तरह से साफ कर रहा हूँ, इसको नहला रहा हूँ। फिर बाबा को शरीर को खिलाना भी होता है, तो बाबा को भोग पर खिलाना ये शरीर को। तो इतना बाबा अपने को, अपनी कर्म को कैसे शिव बाबा के साथ जोड़ के रखते थे। अभी तो मन मेरा और मन ही चल रहा है, इस मन को ही, इसी मन के द्वारा हम क्या बोलते हैं, मन से भगवान को याद करना योग कहते हैं। तो मना अभी तक ये मन मेरे से ही जुड़ा हुआ है, मेरे से ही अटैचमेंट लगा के रखा है, मैं ही सब कुछ है मेरा मन के लिए। पर इससे भी उस मन को निकाल करके मन मना भव, उस मन को उस ईश्वर तक ले जाना, उस मन को, अरे बाबा मेरे से ज़्यादा आनंद यहाँ है, देखो यहाँ से जो आनंद मिलता है वो,
हालांकि बहुत सरल है, हमारी कोर्स जब लेते हैं तो एक बहुत अच्छा लगता है, बहुत सहज से बाबा को याद कर लेते हैं, पर निरंतर याद रहे, निरंतर मन भगवान को ही याद करे, मुझे नहीं, मुझे छोड़े, इस शरीर को छोड़े, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सूक्ष्म जिसको कहते हैं हम लोग, इस पर थोड़ा सा अभी इस समय पर बहुत ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए मुझे भी एक ऐसा समय मिला तो मैंने सोचा कि भाई आप सबको भी मैं अपनी दिल की बात सुनाऊं कि मन को कैसे अभी नचाना है, मन को कैसे कुछ कराना है। तो मुरली पढ़ते एक पेन लेके जो अच्छा लगे तो उसको दो बार तीन बार पढ़ा देना है, देखो ये कितना अच्छा है, हे मेरा मन देखो ये कितना अच्छा है, तुमको समझ में आया तुमको, तो फिर देखो वो मन को कहेगा हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा उनको खुशी की बातें पक्का करा के फिर बाबा ने नेक्स्ट गीत कहा, गीत बहुत अच्छा लगता है। फिर तीसरा, जो सचमुच दोस्ती जो होती है ना दुनिया में, वो अनेक प्रकार का होता है, पर हम बाबा के बच्चों की दोस्ती जो है वो एक ही प्रकार का होता है। मैं कभी कभी मैं कहता हूँ ज्ञान में सन 1960 से आया हूँ, बचपन में तो बस सेवा ही सेवा चलता रहा, कुछ होश नहीं था। मधुबन में 71 में आया तो मैं यही सोचता था कि दादियाँ तो बहुत बड़े हैं, वो तो आशीर्वाद देते ही है, पर दोस्ती तो मैं उनसे नहीं कह सकता हूँ, फ्रेंड तो मैं नहीं कह सकता हूँ दादियों को। तो बाबा कहते हैं कि भाई दोस्त ऐसा हो जो मुझे आगे बढ़ाए, पीछे करने वाला नहीं। आजकल दोस्त जो है एक दो का जेब का है, एक्सप्लॉइटिंग कहते हैं, मना एक दो से क्या फायदा है, ऐसा क्या दोस्त है यार क्या फायदा है, ऐसा नहीं। हम वो दोस्त ढूंढते हैं, मिलते ही ओम शांति तो कहते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद ये नहीं पूछता है कि भाई आज बाबा ने क्या सुनाया। तो दोनों फिर दूसरी दुनिया की कोई बातें दुनिया की इसमें चले जाते हैं, वो नहीं चाहिए। ओम शांति।